सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बेलगिरी का जूस, जिसको बेल पत्थर भी बोलते हैं और बेलगिरी भी बोलते हैं। बेलगिरी के जूस के लिए हमने एक गिलास दूध, एक लोटा पानी और बर्फ़ और ये हमने चीनी मिक्सी के जार में पीस ली है। आप चाहे तो खांड भी ले सकते हैं। और ये बेलगिरी है, इनमें से हम जो पकी हुई बेलगिरी है उसको निकालेंगे और उसको तोड़ के अच्छे से अंदर से इसको निकाल लेंगे। ये बेलगिरी हम अपने खेत से लेके आए हैं, जो कि मैं अपने गांव गई थी वहां से लेके आई हूँ। और अब हम इनका जूस बनाएंगे। तो चलिए अब हम जब जूस बनाते हैं, इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे। ये देखिए बेलगिरी टूट गई है। ये देखिए बेलगिरी हमारी पकी हुई है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। गर्मियों में बेलगिरी का जूस काफ़ी अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी और दिमाग के लिए भी। ये देखिए हमने अपनी बेलगिरी अच्छे से निकाल ली है और इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। हमने इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी मिलाया है और इसको रई से अच्छे से हम मिला लेंगे। मिक्सी से भी पीस सकते हैं, लेकिन हम इसे मिक्सी से इसलिए नहीं पीसेंगे क्योंकि इसके अंदर जो बीज होते हैं वो मिक्सी से पीस जाएंगे और ये जूस कड़वा लगेगा, इसलिए हम इसे रई से या हाथों से भी कर सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे। देखिए हमारी बेलगिरी अच्छे से पानी में मिक्स हो गई है और अब हम इसको छलनी से छान लेंगे। हम आटा छानने वाली छलनी ले रहे हैं, जो मोटे वाली है उससे हम छान लेंगे। इसको हाथ से या चम्मच से इस तरीके से चला लें जिससे ये निकल जाए। ये देखिए हमने अपनी बेलगिरी को पानी में अच्छे से मिला लिया और छान लिया है। और अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे जो हमने पीस ली है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। वैसे हमने एक बेलगिरी में 1 कटोरी मीठा डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार मीठा डाल सकते हैं। और अब हम इसमें बर्फ़ डालेंगे तो अच्छे से चला देंगे, हमारा जूस बहुत ठंडा हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर 1 गिलास दूध जो हमने लिया है वो इसके अंदर दूध कच्चा डालना है। ये दूध कच्चा लिया हुआ है हमने और इसको मिला लेंगे। अगर आप दूध नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं, उससे और भी टेस्ट अच्छा आएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा जूस तैयार है। नॉर्मली हम एक बेलगिरी से 6 बंदों के लिए जूस बना सकते हैं। ये बेलगिरी का जूस बनके तैयार है और अब हम इसको एंजॉय करेंगे, ठंडा ठंडा जूस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी फ्रेंड पूजा शर्मा ने एक नया चैनल शुरू किया है, जियो बिंदास। आप उनके यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है।